रहे हो ये क्या हो रहा है। ये हमारे साथ हमेशा की कहानी है। जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि अब एडवेंचर पे निकलेंगे, लेकिन भगवान हमें पहले दिन से क्या पहले मिनट से ही एडवेंचर देना शुरू कर देता है। अब पहले इसको खोलना पड़ेगा, इसका पंचर लगवाना पड़ेगा, देन फिर आगे का कुछ काम होगा। क्या यार, यही होना था। ऊपर से लो, यहाँ पे सुसु भी किया है, पहले इसको धोना भी पड़ेगा। ये कौन सा डॉग है जिसने सुसु किया? अब तो हो गया तगड़ा वाला एडवेंचर पहले दिन। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं एक नई सीरीज राइडिंग विद पीस पर। चलो पहले इसको रिपेयर कराते हैं। तो भैया आजकल के बिजी शेड्यूल में ना अपना ध्यान रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और आपको पता है कि अच्छा दिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारे बालों का। अगर हमारे बाल प्रॉपर तरीके से सेट है, प्रॉपर तरीके से कलर्ड है, तो एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंट लेवल मिलता है। लेकिन इस बिजी शेड्यूल में बार बार सैलून जाना नॉट पॉसिबल। तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा था कि मुझे सैलून ना जाना पड़े लेकिन मेरे को सैलून जैसा रिजल्ट मिले। तो मुझे मिला बी ब्लंट सैलून सीक्रेट 5 मिनट शैम्पू हेयर कलर। बी ब्लंट इज अ प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर। तो मैंने ये दो वेरिएंट में मंगाया है, नेचुरल ब्लैक और चॉकलेट डार्क ब्राउन, जिसको यूज करने के बाद मुझे हेजल फ्री एक्सपीरियंस मिला है। जैसे कि आप अपना शैम्पू यूज करते हो, सेम एज इट इज इसे यूज करना है। 5 मिनट लगते हैं और साथ में 8 हफ्तों तक ये आपके बालों पर टिकता भी है, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्रेट सॉस यूज किए गए हैं, फर्स्ट इज सिल्क प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन आपके बालों की चमक को बढ़ाता है और ये बालों को टूटने से भी रोकता है और बालों में मॉइस्चर बनाने में हेल्प भी करता है। सेकेंड यूज किया गया है प्लांट केराटिन, जो आपके बालों में मॉइस्चर बैलेंस रखता है और साथ में देता है स्मूथनेस, शाइन और स्ट्रेंथ। सो व्हाई आई चूज दिस प्रोडक्ट, एक तो ये 100% ग्रे कवरेज देता है और सेकेंड 5 मिनट में 8 हफ्तों तक आपके बालों पे टिकता भी है। ओके, तो मैं यूज करने वाला हूँ बी ब्लंट का नेचुरल ब्लैक। यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले ग्लव्स पहन लेने, पैकेट को काटना है, अपने हाथ पर पोर करना है और इसको अपने ड्राई हेयर पर हमको मिक्स करके और मसाज करना है 2 से 3 मिनट। 5 मिनट बाद इसको वॉश कर लेना है। मस्त खुशबू आ रही है और आप देख सकते हो कि 5 मिनट में बिल्कुल सलून जैसा रिजल्ट मिला है। तो अगर आपको बी ब्लंट का प्रोडक्ट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। आप बी ब्लंट की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका से भी बाय कर सकते हैं और साथ में दे रहा हूँ आपको कूपन कोड PEACE20, जिसे अप्लाई करने पर मिलेगा आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट। और साथ में सबसे अच्छा इनिशिएटिव पता है बी ब्लंट क्या कर रहा है? एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, बी ब्लंट विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमेन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन। दे आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन। मतलब कि साथ में बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल रहा है और हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसे बाय करो और अपन करते हैं अब एडवेंचर शुरू। तो पिछली बार की तरह मैं नहीं चाहता कि इस बार भी कुछ पोपट हो, मतलब कि मैं लंबा चला जाऊँ और मेरे को पेट्रोल पंप मिले ना। तो इस बार घर से निकलते ही बिल्कुल पास में एक पेट्रोल पंप पड़ा है, तो मैंने वहीं से रिफिल करा रहा हूँ ताकि आगे का एडवेंचर हम लोग कंटिन्यू कर सके। वो टेंशन ना रहे कि यार आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा था कि पेटीएम कर दूंगा, लेकिन अभी क्या हो रखा है, सुबह सुबह बैंक टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस। और आपको पता है कि रोड ट्रिप पे हमें कैश की कितनी जरूरत होती है, अगर सारा कैश ऐसे पेट्रोल में दे दिया तो फिर तो हो गया काम। और ऊपर एटीएम वगैरह काफी कम मिलते हैं। तो अभी मैंने पूजा को भेजा है, वहां से ये ट्रांसफर किया जाएगा, फिर इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके अपना आगे का प्रोसेस होगा। फिलहाल मेरे को ना टायरों में थोड़ी थोड़ी हवा कम लग रही है, तो वो भी रिफिल करा लेते हैं। तो भैया हवा तो भर गई है, लेकिन ना टायर मेरे को लगा कि ऊपर उठ जाएगा, लेकिन टायर ना दबाकर दबाई है। फिलहाल अभी रोड के ऊपर बहुत ज्यादा फॉग हो गया है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला वहां पर ज्यादा था। अभी आपने देखा कितना फॉग हो रखा था और मैंने सोचा था कि कैप तो मैं ऊपर जाके पहनूंगा, यू नो हीरो स्टाइल में अभी -22 में कैंपिंग किया है। लेकिन वो बोलते हैं ना, बिल्ली पालो कुत्ता पालो लेकिन गलत पे भी मत पालो। केरला जाने के बाद ना भाई साहब यही हालत ख़राब हो रही है। और अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर ना टेम्परेचर होगा भी
लगभग तो अभी टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री। सोच लो 8 डिग्री में भी ऐसी हालत हो रही है, कब कभी छूट रही है। तो मैंने जो आपसे बोला था कि हमें इस ट्रिप में एक जना ज्वाइन करने वाला है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ। तो ये है हमारे मनीष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। बाकी अभी हम लोग ढाबे से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आज का सिंपल ब्रेकफास्ट आलू प्याज का पराठा चाय। तो भैया नाश्ता कर लिया है। वैसे तो हर बार हम लोग अपना ब्रेकफास्ट खुद कुक करते हैं, लेकिन आज अपन ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। सोलो में तो हम लोग अपने मन के मर्जी होते हैं, लेकिन ग्रुप में एक दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हर बार हम लोग सोलो कर रहे थे, मैंने सोचा इस बार मनीष जी के साथ करते हैं। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सैम जब भी जाओ तो मेरे को बताना। तो हर बार क्या होता था, टाइम का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता था। इस बार बैठ गया तो अपन चल दिए साथ में। तो अभी पूरा फॉग हो रखा है, हल्की हल्की बूंदें टपक रही है फॉग की वजह से, जिससे पूरा बारिश वाला फील आ रखा है। और ठंडा है, ठीक है, कब कभी छूट रही है बाहर खड़े होने पर, 8 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी नींद आ रही थी, मैं रात भर सोया नहीं, जितना भी डेटा था वो सारा मैंने खाली किया हार्ड डिस्क में, तो आपको पता है उसमें सारा टाइम लगता है। तो पूरी रात निकल गई, सोचा था 1-2 घंटे का पावर नैप ले लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी लगभग 100-125 किलोमीटर गाड़ी खींचते हैं, फिर कहीं बढ़िया सी जगह देखकर 1.5-2 घंटे का पावर नैप लेंगे। तो ये अपने YouTube चैनल में ना सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें मैं बहुत जल्दी अपनी लोकेशन पे पहुंच गया कैंप करने के लिए। और जहां मैं आया हूँ यहाँ से नज़ारा ना एक नंबर है, लेकिन ना नज़ारे के साथ साथ अपने साथ एडवेंचर तो होते ही रहता है। कैसे, मैंने सोचा कि यहाँ पहुंच के ड्रोन फ्लाई करता हूँ और सबको सेटिंग वेटिंग कर लिया, कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद क्या हुआ, उसकी एप्लीकेशन करप्ट हो गई। और उसके बाद जब मैंने गूगल पे देखा तो बहुत सारे पोस्ट आ रखे हैं, तो अभी वो डाउनलोड हो रही है। लगभग 1/2 घंटा लगेगा एप्लीकेशन डाउनलोड होने में, देन फिर हम लोग फ्लाई कर पाएंगे। बाकी ठंडा बहुत है, एक काम करते हैं नज़ारों के मजे लो, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। Toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, light up ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, threw that ass a vibe, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, changed haters on a tirade. Talking to the grip in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal and a safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Drill spill from my lips, feel bent from the bip. Take a sip till I pass out. I'm trying to get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. तो कैसे लगे आपको आज नीचे वाले ड्रोन शॉट, मजा आया ना? सच में पोपट हो गया। एक तो जब मैंने उसको फ्लाई करने के लिए स्टार्ट किया तो हुआ क्या, उसकी एप्लीकेशन करप्ट हो गई। देन मैंने उसे जैसे तैसे करके 250 MB की फाइल डाउनलोड करी, फिर उसको इंस्टॉल किया, पता लगा कि ये एरिया नो फ्लाइंग जोन के अंदर आ रहा है। और जैसे मैंने उसको फ्लाई किया तो मैग्नेटिक हिल में आ गया, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल। तो मैंने उसको सिर्फ इतने ही डाउन में करके जैसे तैसे करके छोटा मोटा उड़ा लिया। फिलहाल अभी हमारा सेटअप चल रहा है और मैगी बनाने की तैयारी है, क्योंकि हम लोगों ने आज लंच तो किया नहीं था, तो इसलिए इंस्टेंट एक छोटा सा मैगी हम लोग खा रहे हैं, मैगी ब्रेक ले रहे हैं, देन फिर हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी। तो अभी आपको ना यहाँ से सूरज दिख रहा होगा, क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई साहब, इसकी जो किरणें दिख रही है ना एकदम मस्त। और यहाँ पे हमारी हो रही है वेजिस वॉइल, फिर इसके बाद बनेगी मैगी अच्छी वाली। बाकी चारों तरफ का जो नज़ारा है ना वो अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर पूरी हिमालयस की पीक्स नज़र आ रही है, वो आपको मैं कल सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा, अभी तो काफ़ी फॉगी वेदर हो गया है। Thank you.
भैया ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे ही सूरज चाचू छुपे उनके छुपते ही सर्दी ने मचा दिया है आतंक। सच में डबल जैकेट पहननी पड़ेगी, तब जाके कहीं रिलैक्स मिलेगा। यहाँ पे हो रहा है हमारा बॉनफायर और यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है पीनट मसाला। ठंड का माहौल बहुत बढ़ चुका है, हमने बॉनफायर कर लिया, इससे काफी राहत मिल रही है। शुरू करें तो आपका छोटा सा ग्लास। चीयर्स। चीयर्स। फ्रूट बियर एज ऑलवेज। फ्रूट बियर दिस टाइम। कैसी बीती रात आपकी? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। मजा आया? बहुत बढ़िया। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट कुक हो रहा है, यहाँ पे मनीष जी बना रहे हैं बढ़िया वाला ऑमलेट, और जो चारों तरफ का नज़ारा है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ ड्रोन फ्लाई नहीं हो सकता मैग्नेटिक हिल की वजह से, अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर करके दिखा सकता था। एंड यू नो व्हाट, जब ओवर लैंडिंग में इस तरह का अगर हमें प्लेस मिल जाए ना तो चार चांद लग जाते हैं। मतलब आपके पास फुल स्पेस है, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी, एनीथिंग। मतलब आप यहाँ के एक्टिविटी भी कर सकते हो, खुद अकेले गेम भी खेल सकते हो, अपना रनिंग भी कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो। मतलब पैसा वसूल वाली जगह है यहाँ पे। वैसे 100 रुपये लगे आने के ऊपर, हमारी टिकट लगी है आने की, वो सबके लिए है, और रुकने का कोई टाइम नहीं था, आप अनलिमिटेड टाइम रुक सकते हो, पर आपको नीचे पूछना पड़ेगा पहले। ओके, तो अपना ब्रेकफास्ट कुक होके रेडी हो गया है। एग ब्रेड बढ़िया वाले, साथ में कोल्ड कॉफी। मैं जब भी ऐसी चीजें करता हूँ ना, फोन जरूर बजता है बीच में, आपने नोटिस किया होगा। नज़ारे देखे आपने, क्या जबरदस्त है। मतलब ऐसी जगह ना मैं सपनों में देखता था कि यार कोई ऐसी इंडिया में जगह हो कि एकदम ओपन सा ग्राउंड हो और टॉप में हो, हाई पीक्स पर हो, और वहाँ से अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाई दे रहे हो, और फाइनली वो जगह मिल ही गई। अल्टीमेट लोकेशन है। कल रात को हमने कैंपिंग करी, मज़ा आ गया, ठंडा भी अच्छा खासा था, कोई डर वाली बात भी नहीं थी। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, एक यहाँ पे है सनसेट व्यू पॉइंट, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। गाड़ी हमारी वहाँ कॉर्नर में खड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी, तो वहाँ से हम लोग अभी पैदल चल के हैं। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास वॉक किया होगा और 0.5 किलोमीटर के आसपास अभी हमारा बचा है जाना। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सनसेट व्यू पॉइंट और रात की कैंपिंग, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बारबेक्यू, और भी बहुत कुछ करेंगे जो आपको इसके अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं इससे अगले व्लॉग में बढ़िया तबाही के साथ। एडवेंचर अभी शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधा सनसेट व्यू पॉइंट पे, मिलते हैं अगली वीडियो में।